गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी बेटा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा फाइंड करना है, उसकी फॉर्मूला क्या थी कि इवेंट ए कि सब इवेंट ए कॉइन है, तो कॉइन को ट्रॉस किया तब क्या कर, दो पॉसिबल दो आउटकम्स आएगा, हेड और टेल। तो पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के भी फॉर्मेट दे, बेटा फॉर्मेल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा एग्जाम में। हो गया क्लियर? अब वन बाय वन है के कॉइन है के अ कॉइन कॉइन इज टॉस्ड वंस, के कॉइन को बेटा हमने वन टाइम टॉस किया है, कि कॉइन इज टॉस्ड वंस मीन्स वन टाइम, तो हाउ मेनी आउटकम्स ये आपको पता है बेटा, राइट? कितने आउटकम्स मिलेंगे हमको, टू आउटकम्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टू आउटकम। कौन से आएगा? हेड आएगा, हेड मीन्स एच, एंड सेकंड क्या आएगा बेटा? टेल्स। क्या आएगा? टेल्स, राइट? इज अ टी, पहले एच और टी। कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो कितने आउटकम मिले? हेड और टेल मिलेगी। क्या मिलेगा आपको? हेड और टेल, हेड और टेल। अ कॉइन, देखो कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को मैंने क्या किया बेटा, दो बार टॉस किया है, तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? देखो वन बार किया तब क्या मिलेगा? एच टी, हेड और टेल। अगेन किया है तो क्या मिलेगा? एच टी। टोटल आउटकम कितने आएगा आपको पता है? टोटल आउटकम कितने मिलेंगे कि नाउ टोटल आउटकम्स इक्वल टू, टोटल आउटकम्स इक्वल टू फोर, टोटल आउटकम्स इक्वल टू फोर। तो फोर की ऐसे देखो याद रखना बेटा वन बाय वन। देखो कॉइन इज टॉस्ड वंस किया तो कितना मिला हमको? एच टी मिला। क्या मिला हमको? एच इंटू टी। कॉइन इज टॉस्ड वंस किया तो अगेन एच टी मिला। अब एच 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 के साथ पेयर बना दो अभी, तो क्या आएगा बताओ? एच 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 किसके साथ दूसरी पेयर? एच टी, तो एच टी। चलो एच का काम खत्म, तो कौन सा सेकंड नंबर? टी। तो क्या आएगा यहाँ पे? टी एच और टी टी। हो गया क्लियर? तो टोटल कितने आउटकम्स मिले हमको? फोर। कौन से देखो? एच 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 टी टी एच और टी टी। इज इट क्लियर कि कॉइन को ट्रॉस किया ट्वाइस, वंस किया तब क्लियर होगा, दो ही आउटकम्स मिलेंगे। अब कॉइन को मैं ट्रॉस कर रहा हूँ थ्री टाइम्स। कॉइन इज ट्रॉस्ड थ्राइस, थ्राइस मीन्स थ्री टाइम किया है, तो हाउ मेनी आउटकम्स? देखो एच टी, आप यहाँ पे ध्यान देना, वन टाइम किया था एच टी, अगेन देखो एच टी, अगेन देखो एच टी, राइट? इन दोनों के पेयर बना, आपको पता है बेटा कि एच टी इंटू टू टाइम्स ही हो गया, दोनों टू टाइम्स इंटू टू, ले थ्री टाइम्स टोटल हो गया। टोटल कितना आएगा? टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। कितने आएगा आउटकम्स? टोटल आउटकम्स इक्वल टू, कितने मिलेंगे हमको? एट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? एट। अब याद रखना कि एट कैसे आए वन बाय वन। देखो आपको पता है कि 2 इंटू टू, ये तो कैसे है वो आपको पता है, इसके साथ पेयर बना। देखो फिर से जिसको भी जो डाउट है यहाँ पे ध्यान दो, एच इंटू एच, एच एच के साथ पेयर बना, तो क्या आएगा? एच एच, एच किसके साथ? टी के साथ, तो क्या बनेगा? एच टी। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर किसका है? टी का है, टी एच के साथ, और टी एच, और टी टी के साथ, तो क्या बने? टी टी। इज इट क्लियर? इंटू एच टी इंटू एच टी, तो ये दोनों के पेयर के साथ देखो एच एच और एच टी, अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ये दोनों पेयर के साथ ए एच ए, तो क्या आएगा? एच एच एच। इज इट क्लियर? अगेन देखो एच एच और किसके साथ है? टी के साथ है, तो क्या आएगा? एच एच टी, एच एच टी।
इज इट क्लियर? अब इसका नंबर खत्म, मतलब नेक्स्ट नंबर किसका है? एच टी का है। एच टी, एच टी इसके साथ मेरा बना तो क्या है एच टी। इन दोनों को देखो आप ऐसे सीक्वेंस में लिखो तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। देखो एच टी और एच हो गया क्लियर। अब एच टी और किसका टी के साथ है तो एच टी टी। अब नेक्स्ट नंबर किसका है? टी एच का है, टी एच एच। और नेक्स्ट टी एच, टी एच टी। खत्म। अभी किसका टी टी का है तो टी टी एच और टी टी टी। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इसमें क्या है, देखो थ्री हेड आया, थ्री टेल। इसमें दो हेड वन टेल, दो हेड वन टेल, वन हेड एंड टू टेल, टू हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड टू टेल, वन हेड एंड टू टेल एंड थ्री टेल। इज इट क्लियर? तो कॉइन क्लियर हो गया। देखो एक्सपेरिमेंट बेटा है, नाइन्थ का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। क्लियर होगा, कॉइन क्लियर हो गया। तो कॉइन के बाद नेक्स्ट नंबर आता है डाइज। चलो आपको पता है बेटा आपके डाइज इज थ्रोन वंस, तो हाउ मेनी आउटकम्स, कौन बताएगा आंसर? तो क्या आएगा आंसर कि कॉइन इज थ्रोन वंस, सॉरी डाइज है बेटा, कि डाइज इज थ्रोन वंस तो हाउ मेनी आउटकम्स। बेटा आपको पता है कि डाइज थ्रो करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा आउटकम्स का? टोटल आउटकम्स इक्वल टू, इक्वल टू कितना आएगा? 6। कौन से कौन से? देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया क्लियर। के डाइस है, के डाइस को थ्रोन वंस किया था, हमने आउटकम्स 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इज इट क्लियर? अब डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, और डाइस थ्रोन ट्वाइस है, याद रखना है दो बार किया है, कितना आएगा आउटकम्स के? 6 × 2 कर दोगे बेटा? नो, रॉन्ग है बेटा, 6 × 2 तो 12 हो जाएगा। कि 6 आउटकम्स आए, इंटू 6 करो तो 6 × 6 कितना होगा? 36। टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स इक्वल टू 36। टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36। देखो सबसे इजी चैप्टर है, याद रखना है कि टोटल आउटकम 36 है। तो कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6 के डाइस थ्रोन वंस, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया क्लियर। अब देखो 1 2 3 के डाइस इज थ्रोन वंस तो 6 आउटकम्स, डाइस इज थ्रोन वंस तो 6 आउटकम्स। तो 1 1 के साथ पेयर बनाओ, देखो 1 है तो क्या बनेगा पेयर? 1 1। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर किसका है? 1 2 का है तो 1 2 1 3 1 4 1 5 now 1 6। इज इट क्लियर? 11 का नंबर देखो 1 2 के साथ, अब 1 होगा बेटा 3 के साथ, पेयर बनाओ 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, हो गया 1 का नंबर खत्म। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? 2 का आएगा, तो क्या होगा? 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अब नेक्स्ट नंबर 3 का है तो क्या आएगा? चलो 3 1, चलो मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहो, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। चलो 3 का नंबर खत्म। अब नेक्स्ट नंबर किसका है? 4 है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड now 4 6। तो नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड now 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो गया क्लियर। टोटल आउटकम कितना आएगा? 36। उसमें से देखना इवेंट आपको कौन सी फाइन, इसके बड़ी बने सबको आपको ऐसा क्वेश्चन आके सेम आउटकम्स फाइन करना है, ठीक है।
ठीक है, ये सेम ऑब्जर्वेशन है। देखो कौन से कौन से, देखो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। अब देखना क्वेश्चन क्या फाइंड करना है इसके बारे में। पर देखो डाइस है तो डाइस के थ्रू किया ट्वाइस, तो कितने आउटकम है 36। कैसे हो गया क्लियर कट? अभी देखो इसके बाद देखो कार्ड आते ही, ठीक है के कार्ड्स, तो कार्ड्स में देखो बेटा आपको पता नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ इतना याद रखना सिर्फ के टोटल कार्ड्स इक्वल टू कार्ड्स इक्वल कितने हैं बेटा 52। टोटल कितने 52 हो गया क्लियर। उसमें देखो कौन सा बेटा स्प्रेड कार्ड, देखिए वो स्प्रेड का कितने आएगा 13, स्प्रेड का कितने आएंगे 13। उसके बाद क्लब कार्ड, क्लब भी कितने आएंगे 13। इज इट क्लियर? इसके बाद हार्ट कार्ड, हार्ट कार्ड भी कितने आएंगे, हार्ट कार्ड 13। नाउ डायमंड कार्ड, वो भी कितने आएंगे 13। हो गया क्लियर? टोटल कार्ड्स इक्वल टू टोटल कार्ड्स कितने आए थे 52। उसमें स्प्रेड कार्ड कितने है बेटा 13 है, क्लब कार्ड 13 है, हार्ड कार्ड 13 और डायमंड 13 है। उसमें क्वेश्चन है कि सपोज ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के कितने आएंगे बताओ दोनों का एडिशन। क्वेश्चन समझना चाहिए इसमें प्रॉब्लम में ध्यान रखना है, बार बार रीड करना, नहीं समझ में आ रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स रीड करना, इसके बाद सॉल्व करना कि अंडरस्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो क्वेश्चन रीड करके ब्लैक कलर के कितने आएगा टोटल तो 26। अब देखो ये दोनों का एडिशन करो, रेड कलर तो रेड कलर कितने आएगा 26। क्वेश्चन पूछे सपोज के स्प्रेड कार्ड, उसकी प्रॉपर्टी का 13 अपॉन 52 कर देना, क्या आएगा 13 अपॉन 52। क्लब कार्ड है तो क्लब कार्ड के 13 अपॉन 52। कहा डायमंड है तो डायमंड 13 अपॉन 52। तो ब्लैक कलर पूछा है आपको, क्या पूछा है ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर 26 अपॉन 52, रेड कलर 26 अपॉन 52। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? अब देखो उसमें एस कितने होते हैं याद रखना, एस तो एस कितने होते हैं 4 होते हैं, एस इक्वल टू 4। हम बोलते हैं बेटा गुजराती में एक को बोलते हो एस 4 है किंग, तो किंग भी कितना होता है 4। क्वीन, क्वीन भी कितनी होती है 4। और जैक, जैक इक्वल टू 4। देखो ये 4 4 कैसे है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद रखना है कि एस 4 है तो एस 4 में कौन सा आएगा, देखो एक 1 स्प्रेड का होगा, 1 क्लब का, 1 हार्ट का, 1 डायमंड का, हो गया 4। किंग में भी सेम ही 1 स्प्रेड, 1 क्लब, 1 हार्ट एंड 1 डायमंड, क्लियर। और जैक में भी सेम, क्वीन में भी सेम, हो गया। सबसे पहले क्या आता है, एस आता है, इसके बाद किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 आता है, 1 नहीं आता, 1 की जगह ए आता है, हो गया क्लियर। और दूसरी चीज बेटा उसमें के पिक्चर कार्ड कितने होते हैं, पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड, फेस या पिक्चर कार्ड कितने होते, 12 होते, कितने होते 12, जिस जो कार्ड के ऊपर पिक्चर ड्रॉ किया हो कितने आएंगे 12, याद रखना है। कौन से कौन से, 18 फॉर किंग के हो गए, फॉर क्वीन के हो गए और फॉर जैक, 4 3 12 हो गया। इसका नहीं, इसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ नहीं किया, ध्यान रखना है, कार्ड दिखना अच्छी तरह से कि फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड कितने आएंगे हमारे 12। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? कार्ड में कोई कन्फ्यूजन है तो हो गया डाउट क्लियर? देखिए देखो कॉइन क्लियर हो गया, डाइस क्लियर हो गया और कार्ड क्लियर हो गया। अब देखो बेटा प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल, देखो इंपॉर्टेंस नोट्स लिख रहा हूँ मैं, याद रखना बेटा कि उसमें प्रोबेबिलिटी में पॉसिबल इवेंट है, याद रखना है कि पॉसिबल इवेंट उसका आंसर क्या था आपको पता है बेटा 1, राइट? देखिए
और इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट उसका आंसर क्या आएगा? जीरो। तो पॉसिबल इवेंट मीन्स कैसे? हमको पता जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु नहीं फिक्स है बेटा, ठीक है, तो उसको पॉसिबल इवेंट के पॉसिबल इवेंट है उसका आंसर क्या आता है? वन। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे पता मैथ्स में 80 मार्क्स का पेपर है कि 80 से ज़्यादा मार्क्स आएगी कभी, कि वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर क्या आता है? जीरो। तो प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन किसके बीच में होती है बेटा? जीरो और वन के बीच में। क्या होती है? जीरो और वन के। अब मैथमेटिक एक्सपीरियंस में लिखना है तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जीरो लेस और इक्वल टू पी ऑफ ए लेस और इक्वल टू वन। इसका मीनिंग क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ याद रखना है, लेस और इक्वल टू मीन्स जीरो इंक्लूडे और वन लेस और इक्वल टू वन इंक्लूडे, पर इन बिटवीन जैसे वन बाय टू है तो वन बाय टू क्या है? 0.5। कोई बोलेगा सर माइनस 0.5 तो पॉसिबल ही नहीं, याद रखना है बेटा नॉट लेस देन जीरो, जीरो से कम कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, और नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी नहीं आएगी। 1.1 लिख रहा हूँ इज अ रॉन्ग, याद रखना है। आप कटिंग करो और आप गलती से भी डिवीजन में लिखो 1.1 तो बेटा प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती और 0 से कम नहीं होती। हो गया क्लियर कट? क्लियर। अब देखो बेटा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंटी इवेंट, देखिए तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या आता है? 1 आता है। एलिमेंटी इवेंट मीन्स प्राइमरी इवेंट जो होती है बेटा, देखिए हमको फिक्स ही है, तो उसका आंसर क्या होता है? 1। और कॉम्प्लीमेंटिंग किसको बोलेंगे? देखो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, तो पी ऑफ ए बार इज अ कॉम्प्लीमेंटिंग, पी ऑफ ए मीन्स इवेंट ए और ए बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद रखना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, क्या आएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, इज इट क्लियर? और करके पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या होता है? 1। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1। देखो इसके एमसीक्यू बहुत बार आते हैं एग्जाम में। हो गया क्लियर? देखो मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट के पी ऑफ ए इक्वल टू 0.47 फाइंड पी ऑफ ए बार, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट? तो पी ऑफ ए और पी ऑफ ए बार दोनों मैथ्स में याद रखना, क्वेश्चन में पी ऑफ ए दिया और पी ऑफ ए बार फाइंड, तो दोनों के रिलेशनशिप की फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला, फर्स्ट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1। फाइंड पी ऑफ ए बार करना है तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए तो 0.47, 1 माइनस 0.47, देखो कैसे करोगे? 1 और यहाँ पे लिख दो 0.47 माइनस है तो यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे बेटा 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे नहीं होगा तो देखो 0 0 पॉइंट आ गया, 10 में से 7 तो 3, 9 में से 4 तो 5, आंसर क्या आएगा? 0.53। तो क्या आएगा? 0.53 पी ऑफ ए बार इक्वल टू, इज इट क्लियर? पी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.53। हो गया। वन मोर क्वेश्चन इस नंबर 2 एमसीक्यू, ये आपको सॉल्व करना है कि पी ऑफ ए डैस इक्वल टू 0.59 तो फाइंड पी ऑफ ए इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, आप फाइंड करना है पी ऑफ ए, ठीक है, ये होमवर्क में सॉल्व कर देना। हो गया क्लियर? क्लियर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ मैं कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए इक्वल टू 3 by 11, तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू ब्लैंक, तो 3 by 11 है, क्या है? 3 by 11, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1। अब नाउ पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए 3 by 11, यहाँ पे एलसीएम बेटा 11 वन जा 11 माइनस 3 अपॉन 11,
चलो क्या आएगा, 11 माइनस 3 8/11, क्या आएगा आंसर, 11 में से माइनस 3 कर दो तो क्या आएगा 8/11, हो गया पी ऑफ ए बार इक्वल टू 8/11, इज इट क्लियर, हो गया क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th के पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.6, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.6, तो फाइंड पी ऑफ ए इक्वल टू ब्लैंक। देखो बट आपके पास इक्वेशन दिया है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.6 है, और फाइंड क्या करना पी ऑफ ए, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, दोनों का रिलेशन है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, तो मैं पुट कर रहा हूँ पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 0.6। अब देखो दोनों देखो प्लस माइनस तो एक कट हो गया है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए, एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो क्या आएगा 2 पी ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस 0.6, तो क्या आएगा आंसर 1.6, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 2, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आएगा 0.8, हो गया क्लियर, तो आंसर क्या होगा 0.8, क्लियर बेटा। वीडियो में जो भी आता है मैथ्स के नोट में कंपलसरी लिखना है,